फ्राई करें, मतलब भूने ऑयल में एक बार, तो इन प्याजों को। शोरबा जो है ये कम है, ठीक है, मैंने रोटी के साथ खाना है, चावल बड़े महंगे हैं इसलिए मैंने फिर कम शोरबा रखा। अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तहमीना अज़ीज़ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल किचन विद तहमीना। आज माय किचन में जनाब बनने जा रहे हैं आलू अंडे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आलू अंडे की एक यूनिक मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए जी, फिर बगैर टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। और पीपल, ज़बरदस्त से आलू अंडे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बर्तन, ठीक है जी। इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लीजिए आप मीडियम। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने हाफ कप जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको ज़रा गर्म कर लेते हैं 40-50 सेकेंड्स के लिए। अच्छा जी, अब मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें चार मैंने मीडियम प्याज ले लेते हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको मैंने शामिल कर दिया है और इसको अब उस वक्त तक आप जनाब भूने जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेते, ठीक है जी। सो पीपल, प्याज जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना रंग बदल लिया है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। इसको मैंने सिल बटा पर अच्छी तरह से मतलब पीस लिया था। चलिए जिसको भी, वाह वाह सुबहान अल्लाह जी, बुनाई करते जाइए इसकी भी तकरीबन 40-60 सेकेंड मज़ीद बुनाई करें आप। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे हाँ खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, मैं शामिल करने जा रही हूँ ये है टमाटर, 4 मीडियम मैंने ले लिए थे पेस्ट, उनका शामिल कर लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पीपल, मैं आपको यहाँ पे बता दी चलूँ, आपने टमाटर का प्याज का पेस्ट इस्तेमाल करना है ताकि जब आप खाएं तो ये मुंह में टमाटर वगैरह जो आ जाते हैं ये मत आए, ठीक है जी। इसको भी अब बस 1-2 मिनट मज़ीद भुनाई कर लीजिए। अच्छा जी, इस पॉइंट पे मैं शामिल करने जा रही हूँ हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद मैंने चॉप्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले ली थी, इनको शामिल कर दीजिए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं स्पाइसेस की। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये 1/2 टीस्पून है नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। 1/2 टीस्पून चले जाएगी इसमें रेड पेपर, यानी कि सुर्ख मिर्च। 1/2 टीस्पून चले जाएगी इसमें ये है जनाब चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून चले जाएगा इसमें ये गरम मसाला है, इनको अच्छी तरह से कर लीजिए मिक्स। जितनी ज़बरदस्त तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे, वाह 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 वाह, उतना ही मज़े का बनेगा सालन, ठीक है जी। और ये थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल कर लीजिए, चलिए जी। अच्छा जी, अब ये है मेरे पास मतलब 1/2 किलो आलू हैं जिनको मैंने इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में काट लिया, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल कर लीजिए। और जनाब आलू की अच्छी तरह से भुनाई करें, ठीक ठाक तरीके से भुने आप, तकरीबन 3 से 4 मिनट आलूओं को आप भून लें, ठीक है जी। जैसे जैसे नीचे लगे वैसे वैसे पानी, 2-3 चमचे पानी शामिल करते जाएं आप। और राइट पीपल, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आलू जो हैं भुन चुके हैं, ठीक है जी। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं 2 ग्लास मैंने भर भर के पानी शामिल कर दिया है, ठीक है जी। पानी का सीन ऐसा है कि आप उतना शामिल करें जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, वैसे मैं कम रखना चाहती हूँ क्योंकि आलू गलने में टाइम लेते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं जनाब कवर और फ्लेम को कर देती हूँ मैं लो। आप 10 से 15 मिनट तक पकने दें ताकि आलू जो है ये बड़े अच्छे तरीके से गल जाएं, तो 10 से 15 मिनट तक कर लेते हैं हम लोग इंतज़ार। इसको खोल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी वाह सुभान अल्लाह, ये देखिए इसका मतलब शोरबा जो है ये कम है, ठीक है, मैंने रोटी के साथ खाना है, चावल बड़े महंगे हैं इसलिए मैंने फिर कम शोरबा रखा। अगर आपने चावल के साथ खाना चाह रहे हैं तो फिर ज़्यादा रख लें, ठीक है, क्योंकि लड़ाई दस्सी और शोरबा, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी चाहे बढ़ा लें, कोई टैक्स थोड़ा ना लगेगा। सो पीपल, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जनाब अंडे उबले इसमें शामिल करती हूँ, तो चलिए जी इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। और पीपल, ज़बरदस्त से आलू अंडे जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। ये उबले हुए सिंपली अंडा बॉईल कर लिया, उसको काट के मैंने इसमें शामिल कर लिया, थोड़ा सा धनिया शामिल कर लिया है,
ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, झटपट बन जाते हैं और टेस्ट में है लाजवाब, ट्रस्ट में। तो आप ऐसा करिए, महंगाई के इस दौर में आलू अंडे की रेसिपी को अपनी खाला पोपो, चाची, नानी, दादी, मोहल्लेदारों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब के साथ शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।